नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर खगड़िया से है। जगत गुरु महादेव राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड के लेबरों के द्वारा खाना बनाने के दौरान चूल्हे के पाइप निकल जाने से गैस सिलेंडर के पाइप से आग लग गया। आग लगने से पाइप इधर उधर भागने लगा। रसोई घर बांस के बने होने के कारण जल्द आग लग गई। खाने बनाने वाले लेबर के द्वारा आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था। वहीं बाहर से आवाज आने के बाद जो खाना बना रहा था वो बाहर निकल गया, जिसके बाद गैस ब्लास्ट हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस आग लगी में लाखों रुपए की क्षति हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इस आग लगी में लाखों की क्षति हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जगत गुरु राइस मिल में जो आग लगी, कैसे लगी? खाना बनाने के क्रम में लग गया। क्या हुआ था? हम लोग खाना बना रहे थे, उस टाइम सिलेंडर में जो पाइप था चूल्हे में लगा हुआ, चूल्हा का पाइप निकल गया। पाइप निकलने के बाद भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद हम लोग बुझाने का प्रयास किए, तब तक और भीषण आग लग गया। आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया बहुत तेज। कितने लोग उसमें खाना बना रहे थे? 25 आदमी आए। 25 आदमी खाना बना रहे थे। आपका नाम? विनोद कुमार। तो जगत गुरु राइस मिल के मालिक वो भी बता रहे हैं कि आपको कल कुछ लेबर के लिए रुपया दिए थे वितरण करने के लिए। कितना रुपया दिए थे? 65,000 दिए थे ठेकेदार को। 65,400 दिए। वो क्या हुआ रुपया? सब जल के राख हो गया। बेगम सर, क्या हुआ था? जल गया सर। जल गया पूरा? पूरे सारे। और सब क्या हुआ था? बेगू सब था सर। लेबर के पास मदद जितना हमारा पास भी था, पैसे लेबर लोग को भी पहले से पैसा था, वो सारे जल के राख हो गए। कुछ भी नहीं बचा, जो पैन रखे हैं वही बस जान बचा के भाग गए। आपका नाम? पप्पू यादव। अनिल यादव से हम बात करते हैं, कल कितना रुपया राइस मिल के मालिक थे उनसे लिए थे, उनसे बात करते हैं। कल कितना रुपया आप लिए थे? 65,400। तो क्या लेबर को कल दिए थे क्या? नहीं सर, किसी को नहीं दिए थे। और ला करके रूम में रख दें, बोले शाम को देंगे अपना बजे अपना काम। कहाँ पर रखे थे? बैग में था। बैग में कहाँ पे? रूम में। कौन सा रूम में था? खाना बना रहा था सर, यहाँ बगल में दीवार में वहीं पर रखा हुआ था ना, रूम था यही जला हुआ जो रूम मेरा। कितना लेबर का टोटल पैसा था? 20 आदमी का। आपका नाम? अनिल यादव।